सर, आप लोग मतदान करने आए हैं, इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर मतदान करेंगे? हमारा मेन मुद्दा है सुरक्षा का, सिक्योरिटी का। हम उस गाड़ी का ही क्या करेंगे जो रास्ते में लुट जाएगी, पैदल चलें चाहे गाड़ी पे चलें, मेन मुद्दा तो सुरक्षा का है ना, सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेन मुद्दा सुरक्षा का है, योगी की सरकार में हमें पूरी सुरक्षा मिली है, हम हर तरह से सुरक्षित हैं। लगातार तमाम पार्टियां कह रही हैं कि योगी सरकार में तो कोई सुरक्षित है ही नहीं, आपको लगता है? आप रोड पर देखिए, सड़क पर देखिए, किसी से भी बात कीजिए, कोई रोड होल्डअप नहीं है। हम लोग किसी भी समय आते जाते हैं, व्यापारी हैं, व्यापारियों को कोई किसी तरह का डर भय नहीं है इस समय। आप क्या सोचते हैं कि बदलाव जरूरी है या जो है वो सही है? नहीं, जो चल रहा है यही सही है, योगी सरकार ही दोबारा आनी चाहिए। भाई ने बताया सुरक्षा है, और इतना अनाज मिल रहा है, गेहूँ का राशन में मिल रहे हैं, चीज वो क्या कहते हैं, नमक मिल रहा है, छोले मिल रहे हैं, रिफाइंड मिल रहा, और क्या चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जो इन्होंने कहा वही हम उनके साथ ही हैं। यही सरकार आनी चाहिए ना, यही सरकार आनी चाहिए दोबारा, क्योंकि इसने जो भला किया है वो साइकिल या हाथी या घोड़ा कोई और नहीं कर सकता। क्या किया है इसने? बहुत कुछ किया हमारे लिए, जिसने ऐसे बुरे टाइम में टिक्के लगवा दिए, राशन दे दिया, और क्या इसकी जान खाओगे? है जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया था, आप बताएं इस बार मतदान का विषय क्या है, किन किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? मुद्दे ये सुरक्षा और अपने बिजनेस को लेके, परेशानी ना हो बंदे को, और क्या। सुरक्षा, सुरक्षित हैं आप? हाँ, फुल। रात को बहू बेटियाँ सड़क पे घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपा के राज में देखते हैं, दिन में भी घूमना दुश्वार था, आते आते लोगों को छेड़ना, ये करना, सब आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को। नाम क्या आपका? गौतम। अगर सिलेंडर 1000 का 2000 रुपये हो जाए, हम तब भी योगी को वोट देंगे और मोदी को देंगे। किस विषय पर आप वोट डाल रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? हमारा एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व के मुद्दे पे आप? हमने योगी जी को हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट दिया। आप बताएं? हमने विकास के मुद्दे पे काम बहुत बढ़िया बढ़िया करे हैं, योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे भी, इसलिए हमने वोट डाला है उनको ही। आप क्या सोचते हैं? हिंदुत्व के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे, हिंदुत्व के और विकास के मुद्दे पे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सहारनपुर में हिंदुत्व नहीं चलेगा। हमने तो जो है, हमने वोट डाला है योगी जी को हिंदुत्व के मुद्दे पे, और वो चलेगा भी, ऐसा नहीं है। वो चल भी रहा है और चल भी रहा है, किसी के कहने या ना कहने से नहीं पता चलता। अयोध्या देख लो, अपनी काशी देख लो, वर्क चल रहा है, हिंदू आगे है और जागरूक है, और अब के हम परसेंटेज ज़्यादा दे के इन्हें दिखाएंगे भी कि हाँ हिंदुत्व आगे है या नहीं है। लेकिन सहारनपुर की अगर समाजवादी पार्टी ने कभी झगड़े के अलावा सहारनपुर को कुछ नहीं दिया, यूपी को कुछ नहीं दिया, और बीजेपी पार्टी जो है सबके लिए काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है और करेगी भी। हम व्यापारी लोग हैं, हमें कभी पहले कभी कोई भी मतलब व्यापारियों को कभी भी लूट लिया जाता था, कभी कुछ भी, और अब देखो आप बहुत सेफ्टी है और बहुत संतुष्टि है हमें, मतलब हम सेफ हैं। इस 5 सालों में हम बहुत सेफ रहे, हमारी बहन बेटियाँ बहुत सेफ रही, तो हमारे लिए योगी जी और मोदी जी। इमरान मसूद कह रहे हैं कि बीजेपी का तो कुछ नहीं होगा, सपा 7 सीट जीतेगी सहारनपुर की। आई नो, हर आदमी अपने आंकड़े लगाता है, हम अपने आंकड़े लगा रहे हैं, हम 320-300 से ऊपर ही रहेंगे और उन्हें दिखाएंगे भी कि हाँ कौन ऊपर है। यानी कि आप लोग, और एक चीज़ और देखिए ना, आप ये देखिए कि दूसरी पार्टियां अभी से ही अपनी हार मान चुकी हैं, सब गठबंधन की तरफ अपना हाथ बढ़ा चुके हैं। हमारी पार्टी अकेली 300+ वोट सीट्स लेके आएगी और कोशिश करेंगे कि 350 तक भी जाएं, क्योंकि और हमें उन्हें ये जवाब नहीं देना है, हमने उन्हें अपनी वोटिंग से जवाब देना है कि हिंदुत्व आगे है और हमारा हिंदू आगे ही रहे। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस सरकार में तो सब सुरक्षित है, सारे ही सभी अच्छा है, बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं दी हैं, सब कुछ कराए उन्होंने, इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि यही सरकार आए हमारे देश में। आप क्या सोचते हैं? जी हम भाजपा सरकार से बहुत खुश हैं, ये हमारा पहला वोट है, ये मेरा पहला वोट है मतलब, और लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो हम चाहेंगे कि ये सरकार जीते, हमेशा ये सरकार रहे। आप क्या सोचते हैं कि मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोगों की मतदान को लेकर? मैडम, मुद्दे तो देखो लड़कियों की सुरक्षा के लिए हैं,
और भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों के लिए किया है, 2.5 लाख रुपए दिए हैं मकान बनाने के लिए, जिन लोगों के पास सर पे छत नहीं थी उनके सर पे छत आ गई, लोगों को रोज़गार में भी जो है इस गवर्नमेंट में रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी बहुत सुरक्षा है, जो है लोन वगैरह कराए उनके, उनको बहुत कुछ मिला है। हम चाहते हैं यही सरकार दोबारा आए और हमेशा यही सरकार रहे।